हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहित एंड आज की वीडियो मेरी कोई भी प्लान नहीं थी, मैं बनाने नहीं वाला था। मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कुछ कैश क्वेरीज को लेके, कंसर्न्स को लेके, तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में ही क्विकली डिस्कस करूँगा बिल्कुल। और जो भी राखी बनाते हैं उन सबको हैप्पी राखी मेरी तरफ से। तो गाइस, सबसे पहले सॉरी अगर मैं आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं, मैं एक एक करके सबके पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक बात रही कैश की, तो गाइस सिचुएशन अब थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, लाइक लोगों के कैश आने शुरू हो गए हैं। अब आप किसी के कैश को देख के कुछ भी कंसर्न मत हो कि किसी का अगर दो दिन में आ गया या हफ्ते में आ गया तो आपका क्यों नहीं आया। सी, हर किसी का प्रोफाइल अलग होता है, हर किसी की यूनिवर्सिटी अलग होती है, कई बार सेम यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से भी ट्रीट करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट प्रोफाइल, तो वो बात तो अलग हो गई। बट द थिंग इज़, अगर आपको अप्लाई किए हुए लिटरली 30 दिन हो गए, दैट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। ये भाई 30 दिन हो गए हैं, कहाँ है कैश? सबसे पहली बात, अगर आपका अभी तक कैश नहीं आया है तो आप ये मत सोचो कि आप यहाँ पे अभी तक नहीं आ सकते। क्यों? अगर आपका कैश अगस्त के एंड तक भी आ जाता है तो भी आप हाई प्रायोरिटी वीज़ा या नॉर्मल वीज़ा भी डाल के सितंबर एंड तक, अक्टूबर स्टार्ट तक आ सकते हो। जिन लोगों की क्लासेस सितंबर से शुरू हो रही है मिड से, तो गाइज़ आप ऑनलाइन स्टार्ट कर देना क्लासेस और उसके बाद आप यहाँ आके कन्फर्म ज्वाइन कर सकते हो फेस टू फेस वाली, अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको नहीं करना वैसा तो आप जैन पर डेफर कर लो अभी। लेकिन अगर आपको ये सोच रहे हो कि 10 दिन ही हुए अप्लाई किए और क्यों नहीं आया, तो भाई परेशान मत हो, टाइम लग जाता है कहीं भरी। मेरा खुद का पर्सनल कैश अगस्त के एंड में आया था, सो दैट वाज नॉट अ वरी। बट आप सबको फॉलो अप करना नहीं छोड़ना है। मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, 10 दिन हो गए नहीं आया, 20 दिन हो गए नहीं आया। गाइस मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं जो आपको डेट बता देगा कि कब आएगा। और कोई भी यूट्यूबर आपको फेक डेट बता रहा है तो आई डोंट थिंक वो रिलायबल है, ठीक है। सबसे पहली बात इस, सब किसी का टाइम फ्रेम अलग होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता किसी के पास कैश ख़त्म हो गए हैं कुछ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। द ओनली थिंग इज़ फॉलो अप। क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी के पास हज़ारों बच्चे पढ़े हैं, आप फॉलो अप करके अपना लिस्ट में नाम ऊपर ला रहे हो ईमेल कर करके, ईमेल के रिप्लाई नहीं आ रहे भाई। तो सबसे पहले ईमेल फॉर्मेट में करना सीखो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ईमेल करना कैसे है यूनिवर्सिटी को, ठीक है। एजेंट को भी ईमेल करो, एजेंट से सिर्फ फ़ोन पे मत पूछो। ईमेल की एक वैल्यू होती है, आप रिटर्न ट्रायल पे एक चीज़ ले रहे हो उससे, ठीक है। तो जो भी उसे बोलना होगा ना, वो बहुत सोच समझ के बोलेगा, कुछ भी झूठा बोलेगा ना, तो उसको ईमेल को आप यूज़ कर सकते हो उसके अगेंस्ट। तो वो चीज़ ध्यान रखो कि एजेंट से भी ईमेल पे ही फॉलो अप करो। और जहाँ तक बात रही कि वो आपको, आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो, आपका राइट है, ठीक है। कहाँ कर सकते हो? एजेंट से बोलो भाई ईमेल मेरे को एड्रेस दे, नहीं देता तो स्टूडेंट हेल्प का ईमेल यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर होता है, उधर जाके ले लो। उसके अलावा अगर जिनका इंटरव्यू जिसने बंदे ने लिया है उसका आपके पास ईमेल होगा, क्योंकि आपको पर्सनल ईमेल पे इंटरव्यू इनवाइट आता है मोस्टली, वो है तो भाई उस पर्सन को ईमेल करो, दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन अकॉर्डिंग टू मी रिगार्डिंग एनी कैश इंक्वायरीज। अब ये हो गई बात सारी ईमेल करने की और फॉलो अप करने की, बट अगर इस सब के बाद भी आपको जवाब नहीं आ रहा है, राइट, अगर आपको कोई ईमेल का रिस्पांस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आपको ईमेल के सीधा स्क्रीनशॉट लेके ना यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर चले जाओ, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, जहाँ जाते हैं आपको, और यूनिवर्सिटी को टैग करो एंड पूछो, सी दिस इज़ माई सिचुएशन, आई हैव बीन फॉलोइंग अप विद यू। ये चीज़ मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनके 30-40 दिन हो गए हैं, जो 10 दिन लेके बैठे हैं वो मत करना ऐसे। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो ये परेशान करने वाली बात है। लेकिन जो स्टूडेंट्स परेशान है, लाइक 30-40 दिन से हो रहे हैं, उनको रिप्लाई नहीं आ रहा है, फ़ी पेड है, सब कुछ सही है, तो गाइज़ आपका तो बनता है कि सोशल मीडिया पे जाके उनसे पूछना क्या है। सोशल मीडिया पे उनको एक कंपेलिंग वो बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको करना ही पड़ेगा रिप्लाई। कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी आपको कोई स्टूडेंट हेल्प या कोई रिप्लाई ज़रूर करेगी, आपको उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आता आप दोबारा जाके टैग करो, देखना आपको फटाफट से रिस्पॉन्स आएगा। ये बात हो गई फॉलो अप करने की। अब भाई किसी को लग रहा है कि भाई बिल्कुल ही लूज होप कर रहे हो, तो भाई अगस्त एंड तक आप पेशेंस रखो, तब तक भी कैश आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टूडेंट्स को वो भी देखा है जो थोड़ा और लेट मिला कैश और आ जाते हैं इधर, सो इट रियली डिपेंड्स। अगर आपको अभी तक नहीं आया है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो कि मेरा कैश नहीं आया या मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। इसके अलावा मेरे को लास्ट वीडियो में से रिलेटेड कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि भाई यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपका आने वाला है,
या फिर स्केड्यूल हो गया है या फिर इंडिया के एजेंट के साथ चल रही है बात। तो भाई ये सच भी है कुछ लोगों की चीज़, ऐसा नहीं है कि ये फेक है। ऑब्वियसली कैश का प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि वो आया और गया, कैश के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है, उससे पहले आपके फंड्स वेरीफाई होते हैं। तो अगर आपका बैंक मैनेजर की तरफ से लेट रिस्पॉन्स गया, वो भी एक कारण हो सकता है डिले का। आपका जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्सिटी का, उसको फॉलो अप करो, उसको पकड़ो। हर यूनिवर्सिटी का एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होता है, उसको पकड़ो, उसको फॉलो अप करो। कई बार उसकी तरफ से भी डिले हो सकता है यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने में। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना गाइस। अभी तक मेरे अकॉर्डिंग यही है, सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, सो डोंट वरी, धीरे धीरे सबके कैश आने लग जाएंगे। मॉर्निंग। सो अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है, सो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि भाई अपना प्रोफाइल पूरा सही रखो, अपना गलत मत होने देना, ना फंड्स हिलने देना ना और कुछ, अपना प्रोफाइल एक नंबर रखो, कैश आ जाएगा। उसके बाद की वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है अगर आपके फंड्स हैं ना वैसे के वैसे, सो इतना जल्दी कुछ दिक्कत नहीं आती। सो वाइज बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हो। कुछ लोगों के मैसेजेस मैं देख रहा हूँ, मैं उस दिन एक्स्ट्रा फोल्डर में जाके देखा कि उन्होंने आई गेस मुझे फॉलो किए बिना मैसेज कर रखे थे, तो उसके मैसेजेस बहुत पुराने पड़े रहे थे क्योंकि मुझे वो दिखे ही नहीं। सो गाइस समटाइम्स ये भी रीज़न हो सकता है मैं आपके पास लेट बैक आ रहा हूँ, बट मैं ऐसा कुछ नहीं देखता किसी ने किया या नहीं किया। मैं जिसका मैसेज देखता हूँ सबको रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ एज सून एज पॉसिबल। इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ कुछ अलग टॉपिक्स पे, मेरा कोई भी प्लान नहीं था कैश पे बनाने का, बट जितनी क्वेरीज है और जिस हिसाब से स्टूडेंट्स कंसर्नड है, आई थॉट मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए एक्स्ट्रा टाइम दे के। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट लेट मी नो।